मेरा नाम अफजल, स्वागत है आपको हमारे इस नए ब्लॉग्स में। तो इस ब्लॉग्स में हम यहाँ लेह लद्दाख आए हैं और लेह लद्दाख के कुछ हमारे जो फ्रेंड्स हैं यहाँ के पब्लिक जो लोकल्स, तो उन्हीं से जानेंगे यहाँ के खेती बाड़ी और एग्रीकल्चर विभाग के। यहाँ पे धान का खेती होता है? हाँ होता है। और गेहूँ का? हाँ होता है, गेहूँ का भी। गेहूँ का भी होता है? हाँ। और मक्के? मक्के नहीं होते हैं। मक्के नहीं होता है। और क्या बोलते हैं, मटर? हाँ होता है मटर भी। चना? हाँ चना नहीं होता है। चना नहीं होता है। और सेब? सेब भी नहीं होते। सेब भी मतलब इस जगह पे नहीं होता, नीचे साइड में होता है। वहाँ होता है जैसे खलसे वनला साइड में होता है, इस साइड में नहीं होता है। हमारे साइड में ये सिंगेला लोग साइड में नहीं होता है। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा आप लोग जो जानवर पालते हो तो क्या क्या, कौन कौन सा जानवर पालते हो? याक। अच्छा, याक पालते हो? और काऊ। काऊ, गाय? गाय। और बकरी, शीप? बकरी, सीप? हाँ शीप। शीप? सीप वो कौन सा, वो कौन सा? बेलू। बेलू? बेलू, बेलू, बेलू। अच्छा वो क्या, गधा? हाँ गधा भी। घोड़ा? घोड़ा बस हो गया। और ये इतना ही? और क्या बोलते हैं, पक्षी में कोई पक्षी पालते हो? नहीं नहीं ना, कोई भी पक्षी नहीं। अच्छा, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग का मुर्गा उर्गा, हम लोग का मुर्गी? नहीं 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 नहीं। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे, यहाँ मतलब इस जगह में काफी बर्फ गिरता होगा ठंडी में? हाँ यहाँ तो ठंडी में आप लोगों को जो पशु वशु होता है तो उन लोगों का चारा वगैरह कैसे देते हो? वो पहले से हम यहाँ स्टॉक करके रखते हैं। अच्छा, सितंबर तक? हाँ। अच्छा, हम यहाँ तक वो पूरा स्टॉक करके रखते हैं पहले से। अच्छा, उसके बाद फिर आप? हाँ बस, हाँ दो तीन महीना उन लोग का, उन लोग को देते फिर घर में मना बिठा के फिर उनको देते हो खाना, है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारे दुर्जेश भाई काफी बोल चुके हैं यहाँ के बारे में, और अब हम नोबेल भाई से थोड़ा सा पूछेंगे। हाँ नोबेल भाई, क्या नाम हुआ आपका? मेरे नाम नोटवेल। नोबेल? नोटवेल। अच्छा नोस्पेल। हाँ जी। तो स्वागत है आपको हमारे इस देसी ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। तो आप बताइए यहाँ के बारे में, यहाँ पे खेती बाड़ी में क्या क्या खेती होता है? खेती को, खेती में गेहूँ का है, मटर है। अच्छा, और उसके बाद दाल वाल किरचे विरचे भी थे। अच्छा, उसके बाद और क्या क्या खेती होता है? और ज़्यादा नहीं होता है, मटर वटर, गेहूँ या किरचे, दाल वाल, यही सब। हाँ। और पशु पशु आप जो लोग जो पालते हो तो खेती के दिन में मतलब कैसे, हल कैसे जोतते हो, क्या चीज़ से जुताई करते हो? जमीन याक से? याक से जोत लेते हो? हाँ। हम लोग, हम लोग आप लोग को पता है बिहार झारखंड यूपी जैसे स्टेट्स में क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर और बैल ये सबसे जोता जाता है। लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बात है कि यहाँ पे याक से इन लोगों को जोताई किया जाता है जमीन, जिसके लिए आप खेती बाड़ी किया जाता है। और भी चीज़ बताइए यहाँ के बारे में आपको, यहाँ पे सबसे अच्छा इस जगह में मतलब ले लद्दाख में क्या चीज़ लगता है सबसे अच्छा? सब यहाँ। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा है, सो आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हमारे जो प्रशासन विभाग के पुलिस फौजी काफ़ी सारे आते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे रहते हैं तो कैसा लगता है? वो लोग ठीक लगता है? ठीक लगता है। अच्छा, उनके साथ आपका संबंध व्यवहार कैसा होता है? अच्छा होता है? अच्छा होता है। तो वो लोग जब आते हैं, आपके जो फौजी हैं, यहाँ की जो पुलिस हैं, जो क्या बोलते हैं फोर्स विभाग के, और भी BSF और कौन कौन से जवान हैं, मुझे उतना अच्छा से शायद अभी याद नहीं आ रहा है, तो काफ़ी सारे पुलिस फोर्स के विभाग हैं, तो वो सब जब आते हैं तो आप लोग के सुनते हैं यहाँ पे मेला लगाया जाता है, तो उनके बारे में बताइए थोड़ा, मेला कैसा लगाया जाता है? मेला अच्छा लगाते? अच्छा लगाते हो। तो मेला में काफ़ी डांस वांस होता है? डांस वांस, लद्दाख की डांस वांस करता है, कल्चर वल्चर। अच्छा, हाँ लद्दाख की पूरा वो कल्चर होता है ना, पूरा वो दिखा देता है वो। तो यहाँ पे आप लोग इतने दिन से कितना साल से हो गया मतलब यहाँ पे आप रहते हुए अलचू में, कितना साल से रहते हुए अलचू में? तो अभी मेरे तो उम्र 20-25 हो गया। 20-25 हो गया, 20-25 साल से आप अलचू में ही रहते हो? हाँ। तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता होगा रहने में? रहने में क्या, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पहाड़, ये पहाड़ी छोड़ के क्या बोलते हैं ना, ना, ना। नीचे में ले लगता है, मार्केट्स में रहना चाहिए? ना ना, मार्केट में कहाँ जाएगा, मार्केट में तो पूरा वो खेती वेती कहाँ, बताइए इधर तो खेती वेती गए हुए पाल के वो बैठता ना, खेले में सिटी में जाके कहाँ, उधर तो पैसा का पूरा वो पैसा वो होना पता है, इधर तो खेती वेती का गए हुए पाल के इधर बैठता है, इधर ठीक है। अच्छा, इधर ही अच्छा है। तो ये हमारे नोस्पेल भाई से जानेंगे थोड़ा सा कि इनको कभी दिल्ली गए हो? ना ना ना, जम्मू तक गया। जम्मू तक? जम्मू यूपी तक गया, यूपी तक, यूपी तक गए हो थोड़ा घूमने के लिए? अच्छा, और क्या बोलते हैं हरियाणा गए हो? हरियाणा, पंजाब गए हो? पंजाब भी नहीं गया, कोई भी उधर स्टेट नहीं। अच्छा, आप कौन कौन स्टेट घूमे हो मतलब यहाँ के अलावा लद्दाख छोड़ के? लद्दाख छोड़ के सिर्फ जम्मू यूपी तक पहुँचा, उसके बाद तो कहीं भी नहीं गया, बस 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 सिर्फ जम्मू तक। तो शादी वादी कर लिए? शादी तो अभी तक नहीं किया, किया नहीं अभी तक शादी। तो शादी वादी करने का इरादा है कि नहीं?
अभी तो कहाँ, अभी तो नहीं है, अभी नहीं है। तो फिर क्या उम्र ढल जाएगा फिर शादी करने के, क्या मजा, फिर शादी वादी कर लो जल्दी, कहिए सो ऐसे फनी करिए। तो हमारे नौसफल भाई काफ़ी अच्छा लगा इनके बारे में, यहाँ के बारे में इन्होंने बताया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से। और सबसे अच्छा लगता है हमको यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो बर्फीले पहाड़, और हो सकता है यहाँ पे थोड़ा फोन वोन का नेटवर्क का उतना अच्छे से सुविधा ना हो, लेकिन यहाँ पे रहने में काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छे लोग हैं हमारे नौसफल भाई से दोस्ती हुआ। क्या हमारे उधर यूपी बिहार झारखंड, झारखंड जाएंगे घूमने? हाँ जाएंगे, कभी कभी जाएंगे, कभी कभी जाएंगे। तो हम जब उधर जाइएगा तो हमारे उधर काफ़ी अच्छा है, आपको उधर टूर कराएंगे। और हम चाहते हैं अभी नौसफल भाई की यहाँ के जो भी है चीज़ें उन सब के बारे में थोड़ा बताएंगे हमें। तो यहाँ पे फिल्म विल्म शूटिंग करने आता है हीरो हीरोइन से? आता है। कहाँ कहाँ आता है यहाँ पे, किस किस जगह, किस किस जगह में यहाँ फिल्म शूट करने आया है? पिछले साल आया इधर क्लिंगशेट साइड में आता है, क्लिंगशेट साइड में। हाँ ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं आता है, ज़्यादा ज़्यादा तो लद्दाख की फिल्म उधर ले में करता है, इधर तो ज़्यादा तो नहीं आता है। जहाँ अभी तो इधर रोड खुला है, पिछले से वो पहले तो उधर रोड नहीं था ना, अच्छा। इसे पैदल आना पड़ता है, यहाँ से वो जो फंजिला वाला जैसा खलसे सिटी था वो पैदल जाना पड़ता है। अच्छा। अभी तो इधर तो आप कौन कौन सा हीरो हीरोइन के देखे हैं ऐसे फेस टू फेस? नहीं नहीं उधर वो लद्दाख की हीरो हीरो नहीं आते, उधर वो तो नहीं आते, बॉलीवुड वाले नहीं आते, नहीं आते। साउथ वाले नहीं आते, वो तो वो भी नहीं आते, बॉलीवुड वाले नहीं आते, वो भी नहीं आता है। अच्छा चलो कोई नहीं। तो आप लोग को यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों की जुबानी आपको यहाँ की कहानी सुनाएं हम। और आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। आप अपने भाषा में थोड़ा सा लास्ट में बताइए, आप अपने भाषा में, क्योंकि हमको यहाँ की भाषा समझ नहीं आता है। सो आप यहाँ लद्दाखी भाषा कैसे बोलता है वो चीज़ इस वीडियो में थोड़ा सा सुनिए। हाँ नमस्कार भाई, जुले तेने दिन झारखंड, आप झारखंड के ना? हाँ झारखंड ना ये खून चिजी का ये गिरी भी लाल यहाँ यार इन्हें निराग साइड ला चिलिंग साइड ला तेने को इना जो लाइन को हाला को इना जो वीडियो वीडियो शूट जो यूट्यूब अपलोड चौक जो हाला तेने देखिए खो जी का स्पेर तो फिर जे जिन चिक माना आज रिक्वेस्ट आया तेने को खो तेने कल्चर वल्चर जो ती लद्दाख से तेने जिंग विंग आज स्कूल ला ची चिता थाला स्कूल ला खोज तपिक जे जिर आया तेने यहाँ पर एक अच्छा दिन एक रोड चिका एकदम सोमा तेने खो जे जुले झूले। तो ये झूले जो लास्ट में बोले, झूले का मतलब सलाम होता है क्या? तो हमारे तरफ से आप जितने भी लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के जितने भी आप पब्लिक हैं, सब जो यहाँ के मुसलमान हैं उसके लिए हम अस्सलाम वालेकुम, और जो यहाँ के इस स्टेट के लिए लद्दाख के हैं उनके लिए झूले, जो आपका हम सलाम दिल से करते हैं। और आप हमारे चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इस चैनल पर आपको ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉच, टेक केयर, बाय।